अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का भी लोग शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बरको इस्लामाबाद जंजुआ टाउन में आ चुके हुए हैं जी। यहाँ का बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो हम यहाँ पे अक्सर आते होते हैं, तो आज हम ये नदी वाली साइड पे आए हैं। आपको भी प्रॉपर विज़िट करवाएंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अभी लोग जो है ना, हमारा एंड तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? मेरे साथ एक दोस्त हैं नईम भाई, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं नीचे कुरांग वाली साइड पे, वो प्रॉपर व्यू आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, हम आ गए हैं। तो आगे हमें भेड़ बकरियाँ नज़र आई हैं जी, बकरवाल। ऊपर सर्दी की वजह से यहाँ पे अक्सर आते होते हैं, तो आज हमें मिले हैं। तो ये देखें जी, इनकी बकरियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं पुरसकून। तो ये सामने नदी है, वो भाई एक मायना कर रहे हैं नदी का, ठीक है? और ये बहुत ही डेंजरस नदी है, यहाँ पे अक्सर काफ़ी सारे यहाँ पे हादसे हुए हैं इस जगह पे, ठीक है? ये देखें, अभी चलते हैं वो टॉप पे चलते हैं, ऊपर जाके आपको वहाँ से आपको पूरा विज़िट करवाते हैं इस्लामाबाद का। सो व्यूअर्स, हम ये पहाड़ी के टॉप पे पहुँच गए हैं। ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी ना, ये न्यू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। ये इसके साथ जो रोड है वो बरिमाम की तरफ जाती है, वो पीछे शाहदारा है। शाहदारा बहुत ही टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ का तो नक्शा ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, पहले कुछ नहीं था इतना खास। तो अभी ये देखें, तो अभी हम आ चुके हैं, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है? तो नमाज के बाद फिर हम आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ ली है। तो अभी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, तो जी आसिफ भाई से आज ज़्यादा बात करवा ले, लेकिन आसिफ भाई इधर है ही नहीं है। उस्मान भाई बैठे, उस्मान भाई आसिफ भाई किधर गए हैं? आसिफ भाई कहीं बाहर गए होंगे। चले आसिफ भाई का इंतज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। आज मैं आदिल भाई के पास आया हूँ गपशप करने के लिए, काफ़ी टाइम के बाद गाइस। तो वो नहीं मिले थे मुझे, क्या नाम है, आसिफ भाई। तो मैंने ख़त नहीं करवाया, आसिफ भाई को ढूंढता रहा हूँ काफ़ी टाइम, आसिफ भाई नहीं मिले। तो मैंने कहा चले आदिल भाई के पास जाके गपशप करते हैं। तो आदिल भाई सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक। और सुनाए कैसा टाइम स्पेंड हो रहा है? अच्छा हो। अच्छा, तो यार काफ़ी इलाकों में आगे पीछे जो है ना गैस है ही नहीं, तो आप माशाल्लाह से गैस यहाँ पे है ना जी, ये देखने चल रही है। अच्छा, और किन गए नहीं आज? इधर कहीं जाते होते हैं ना अक्सर, दुकान बंद रहती है आपकी? दुकान पे होते हैं हम। ये आ गए मंजू साहब, आ चुके हैं, ये मेरे दोस्त हैं। हसन भाई कैसे हैं? हसन भाई ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। तो काफ़ी दिनों से कहीं गायब हैं यार, किधर हैं? बस यार भाई सर्दी है काफ़ी, तो गर्मी ही ज़्यादातर घर में ही होते हैं। अच्छा, ये तो ये इनसे मिलिए, ये हमारे आसिफ भाई हैं। इनके पास आने से पहले इनसे टाइम लेना पड़ता है, ये काफ़ी बिजी होते हैं और बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन्होंने हमारा ख़त किया, कमेंट्स में बताइएगा कि इन्होंने ख़त हमारा कैसा किया है। तो ये मिले इनसे, आसिफ भाई से। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तो ये अभी लेट नाइट हो गई है, तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम घर जा रहे हैं।
तो इसी के साथ आज का जो व्लॉग है इसको ख़त्म करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।